हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। चैप्टर है हमारा 5 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये कहता है कि आपको ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से चूज करना है कि आपको तीसवां टर्म, इस एपी का तीसवां टर्म कौन सा होगा, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए और क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन को समझ करके बनाना भी आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो इससे हम बस एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नहीं देते हैं, बल्कि इससे और भी क्वेश्चन देते हैं। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन और होमवर्क में मिलेगा, आपको उसको जरूर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी बुकिंग कीजिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपका रिवीजन ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा दूर होगा। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। हमें ये दे रखा है कि ये जो है ये बताना है। ठीक है, एपी में आपको ये दे ही रखा है, पहचानने आता होगा कि फर्स्ट टर्म कौन है। तो फर्स्ट टर्म ये है हमारा 10। और डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं ए टू में से ए वन को घटा देते हैं, तो ये हमारा ए टू कितना है, तो ए टू हमारा 7 और ए वन कितना है 10 है। तो 7 में से 10 जाएगा तो -3, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे तो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब चलिए, अब रखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता करना है कि कैसे इसका ड्राइव हुआ, तो इसका भी हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इसका प्रूफ किए हैं। चलिए अब रखते हैं ए 30 हमको निकालना है। तो अब कहिए कि सर एन का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो देखिए, ए 30 बोला है ना, यही एन है, क्योंकि यहाँ पर तो एन ही तो होता है, तो यही एन है। एक जगह पर कितना रख देंगे 10, और 30 पूछा है तो 30 रख देंगे ऐसे। और डी कितना दिया, -3 दिया हुआ है। अब इसको बस आपको कर देना है सॉल्व। तो 10 प्लस ये हो गया 29 डी, 29 हो गया, और ये -3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो जगह -9 3 27 के साथ 2 6 और 2 8 87, इसको घटा दें तो -87 आंसर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ये ऑप्शन सी है, ये बी है, और ये ए है, और ये डी है। ठीक है, तो आया इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी, ये 30 बोला है ना, तो ये 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही तो यहाँ पर किए हैं, ये जो 29 किए हैं वही यहाँ पर किए हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमें दे रखा है और इसका पूछ रहा है कि 11वां टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, ये 11वां बोला है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए 11 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर -3 है, और 10 डी, डी के जगह पर क्या लिखें, तो डी के वैल्यू निकालने के लिए बताएं कि आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि -1/2 में से घटाना पड़ेगा किसको, -3 को। तो ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। अब ये कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 बार में कटेगा, 2 गुना होगा 3 से, तो जगह 6, यानी कि 5/2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 5/2, यानी डी का वैल्यू होगा 5/2 ऐसे, और ये 2 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा -3, 5 × 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। ये हमारा वह आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन बी है, ए है, सी है, और ये डी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, दे रखा है और इसका आंसर 85 है। आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप बताइएगा, हम इसको जरूर बताएंगे। सेकेंड वाला भी 35th टर्म आपको पता करना है और इसका आंसर दे रखा है -82। ठीक है, थर्ड वाला
18th टर्म आपको पता करना है और इसका आंसर दे रखा है रूट। ठीक है, हमको पता है कि रूट में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा हिंट्स आपको दे दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, हमें ये निकालना है 18th। ये 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 7d 17d। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू आपका है रूट 2, फिर 17, डी कितना है, डी ही निकालने में आपको ज़्यादा परेशानी होती होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 9 = 18 ऐसे। अब बताइए यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पर 1√2 है, तो घट करके कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, 2√2 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर रख देंगे डी का वैल्यू आ गया 2√2। अब करेंगे सॉल्व इसको, तो √2 और यहाँ पर हो जाएगा 17 × 34 √2, यहाँ पर 34√2 और यहाँ पर 1√2, यानी कि ऐड हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे 35√2 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बताएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।